हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है साइको टेस्ट के रिगार्डिंग। देखिए, कंप्लीट शेड्यूल जो है वो साइको टेस्ट का जारी कर दिया गया है। मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर आरआरबी चेन्नई का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आज का ही नोटिस है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, क्लिक हेयर नोटिस फॉर नोटिस ऑन एग्जाम डेट सीवैट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से फुल शेड्यूल जो है वो आपका खुल करके आ जाता है आपका एग्जाम का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये खुल रहा है। तो आप पहले नंबर के अंदर आप क्लियरली आपको देखिए बताया गया है कि द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबैट फॉर लेवल 6 और 4 वाज हेल्ड 9th और 10th मई। तो आपका आपको पता है भाई कि 9 मई को 2 शिफ्ट के अंदर लेवल 6 का एग्ज़ाम, वहीं 10 मई को 1 शिफ्ट के अंदर लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ था। और इसका रिजल्ट के बारे में बताया गया सेकेंड पॉइंट में, द रिजल्ट ऑफ सीबीटी वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी ऑन 7th जून। ठीक है, 7th जून को आपका रिजल्ट भी आया था, लेकिन कई जून का आपका 8 जून को रिजल्ट पब्लिश हुआ था। तीसरा नंबर में क्या बताया गया था, सीबैट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ पे लेवल 6 और 4 इन सीबीटी 2 इज टेंटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड 13 जुलाई सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशन। तो देखिए, ये मेन आपका अपडेट है कि भाई आपका जो सीबैट होने वाला है, साइको टेस्ट होने वाला है, वो आपको 30 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बोला गया है ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका 30 जुलाई को ये हो जाए। ठीक है, चौथा नंबर में देखिए बताया गया है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर सीबैट शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट NSCM नंबर 6 ऑफ CEN नंबर 1/2019 एट द टाइम ऑफ एंट्री फॉर सीबैट, फेलिंग विच दे विल बी नॉट बी परमिटेड टू अपेयर द सीबैट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेन आपका पॉइंट है कि भाई यदि आपको साइको टेस्ट देना है तो इसके लिए आपको विजन सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, जो कि रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें से एनेक्सर नंबर 6 में उसका फॉर्मेट जो है वो दिया गया था। हालांकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा और कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बताया गया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली इन द, बाकी पॉइंट आपके लिए यूजफुल नहीं है। सीधा बताया गया, हाँ यार, कोई दलाली वलाली नहीं करता रेलवे, पूरा मेरिट पे इसका जो है वो तैयार होता है रिजल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका विजन सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, यहाँ पे आपका इसका फॉर्मेट है जो कि एनेक्सर नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है, परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम अ आई स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। तो ये आपका फॉर्मेट है जो कि आई स्पेशलिस्ट के द्वारा इसको आपको बना करके लेते जाना होगा। जैसे कि मान लो यार आपका नाम है राजेश, तो अब यहाँ पे लिखना आई हैव चेक्ड अप श्रीमती या श्री या कुमारी, तो यहाँ पे आप श्री होंगे ना, श्रीमती तो नहीं होंगी। यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा कैपिटल में RAJESH। ठीक है, यहाँ पे जो भी नाम होगा लिख लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफ पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना फोटोग्राफ पेस्ट कर दें और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दें, छोटे से बॉक्स के अंदर अपना सिग्नेचर कर दें। जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं, जनरली आप रेलवे के अंदर जिस टाइप से सिग्नेचर करते आए हैं उसी टाइप से सिग्नेचर करें। ठीक है, और यहाँ पे अपना फ़ोटो पेस्ट कर दें, लेटेस्ट फ़ोटो। या फिर यहाँ पे देखिए बता दिया गया कि भाई पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड। मतलब आपको पुरानी फ़ोटो नहीं डालनी है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा यार कि 3 साल पहले आपने जो रेलवे का फॉर्म भरा था वही फ़ोटो आपको चिपकाना है। आप कोई सा भी फ़ोटो चिपका सकते हो, बट 1 महीना पुराना, 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी को, यानी कि योग्यता को, भाई स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ये A2 क्लास का पोस्ट है, जिसमें आपका डिस्टेंट विजन जो है वो 6x9 और दोनों आँख का 6x9 होना चाहिए विथआउट ग्लास, बिना ग्लास का। ठीक है, वहीं नियर विजन जो है वो 0.6 होना चाहिए और ये भी दोनों आँख का है। ठीक है, 0.6 का मतलब है दोनों साइड वाले आँख का। और कलर विजन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, कहने का मतलब कलर विजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नीचे में भी लिखा गया है कि श्रीमती श्री एन कुमारी, आप जो भी नाम होगा यार यहाँ पे आप फिल कर लेना कैपिटल लेटर में। और यहाँ पे देखिए लिखा है सिग्नेचर ऑफ द आई स्पेशलिस्ट, जो आप आई स्पेशलिस्ट से चेक करवाओगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हड्डी का स्पेशलिस्ट से आप चेक करवा करके लेते चल गए, आई स्पेशलिस्ट का यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा और यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आई स्पेशलिस्ट होंगे उनका यहाँ पे मुहर हो जाएगा, सील मुहर यहाँ पे वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप अपना प्लेस डाल दीजिएगा जहाँ से ये बनवा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि यार आप जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वहाँ से नहीं, बल्कि आप जहाँ से, मान लो आप सदर हॉस्पिटल होता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ बना रहे होंगे तो यार अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा कि जिस दिन आपको बनाना है। ठीक है, और कोई भी क्वारी हो फ्रेंड्स विजन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या NTPC CVT 2 के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।